is related to the health which is concerned with the reproduction, we can say in the physical, social, emotional and behavioral aspects. So मैं बता रही थी आपको कि सोशल इमोशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में अगर रिप्रोडक्शन को अगर हमें ध्यान रखना होता है तो वो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड मामले आते हैं, उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड बोलते हैं। अब इसमें हम एक एनसीईआरटी से थ्रू पढ़ भी रहे थे और समझ भी रहे थे कि एनसीईआरटी का चैप्टर 4 का हमने समझा था कि व्हाट डज इट मीन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या समझ में आया हमें। आरसीएच प्रोग्राम के बारे में हमने पढ़ा था कि आरसीएच प्रोग्राम एक गवर्नमेंट लॉन्च करती है और उस आरसीएच प्रोग्राम में आप ये देखते हैं कि गांव-गांव में वो फैसिलिटीज़ मिलें जिससे कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी बन सके, जैसे कि आंगनवाड़ी होती हैं ब्लॉक्स में जहाँ एक डॉक्टर को रखते हैं पर नर्सेस को रखते हैं और उन डॉक्टर्स और नर्सेस का काम होता है जो भी एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं, जिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका पूरा ध्यान रखना, उनको कौन कौन सी दवाइयाँ देनी हैं, वो सब उनका काम होता है, समझ रहे हो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर के थ्रू, अब हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का आरसीएच प्रोग्राम अवेयरनेस तो फैला ही रहा है, इट इज़ स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया के दीज आर द वेज बाय विच वी कैन डेवलप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी समाज बना सकते हैं हम, जो इन केसेस में रिप्रोडक्शन रिलेटेड बातों में मामलों में थोड़ा सा अवेयर रहता है, सतर्क रहता है और अपनी ज़रूरी सारी चीज़ें के बारे में ध्यान रखता है, जो भी मदर प्रेग्नेंट होती है उनका ध्यान रखता है। ऐसा समाज डिलीवरी के वक्त लेडी को अस्पताल ले जाता है, घर में नहीं करवाता किसी भी दाई और उनसे, तो फिर ये ठीक रहता है क्योंकि इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है जब डिलीवरी होती है, अगर उस टाइम पे ध्यान नहीं रखा गया तो मदर के साथ साथ बेबी को भी खतरा हो सकता है। तो आरसीएच प्रोग्राम में ये अवेयरनेस फैलाई जाती है प्रिंट मीडिया के थ्रू, टीवी टेलीविजन के थ्रू, कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे एड्स बनाए जाते हैं जो पर्टिकुलर जानकारियां देते हैं। तो आरसीएच प्रोग्राम का ये काम है। कल मैंने ये जो क्वेश्चन दिए थे उन्हीं का आंसर था, कल मैंने क्वेश्चन दिया था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर आरसीएच प्रोग्राम की फुल फॉर्म लिखो, उसकी स्ट्रैटेजीज के लिखो कि वो क्या करता है इंडिया में, किस तरीके से रिप्रोडक्टिवली हेल्थ मेंटेन रखता है। और नेक्स्ट क्या बताया क्वेश्चन था कि आपको ये बताना है कि बर्थ कंट्रोल मेथड में नेचुरल मेथड के क्या फॉर्म, क्या टाइप्स हैं और बैरियर मेथड के क्या टाइप्स हैं और केमिकल मेथड्स के क्या टाइप, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, तो आपको ये ढूंढने थे और कॉपी में करने थे चैप्टर 4 के अंदर। तो आपने करे हैं ये क्वेश्चन सबने, हैव यू डन दीज क्वेश्चंस? टेल मी, चैट में लिख दो अगर आपको बताना नहीं है, राइट इन चैट वेदर यू हैव स्टार्टेड द चैप्टर 4 और नॉट, और क्वेश्चंस करे हैं कि नहीं करे आपने। हैव यू स्टार्टेड चैप्टर 4? हिमांशी, अनुष्का, आरोही, राइट इन द चैट हैव यू स्टार्टेड द चैप्टर 4? Tell me, write in chat. Chat is disabled. That is? Ma'am, chat disabled है. Chat disabled है तो बोल के बताओ कि आपने chapter 3 complete कर लिया है? Ma'am, chapter 3 बचा हुआ है आपका? और क्या? मैम एक दो क्वेश्चंस। अच्छा,
कैफ आपने शुरू कर दिया चैप्टर थ्री, खत्म कर लिया है कि नहीं किया है? फोर्थ पे आ गए हो, कहाँ पे हो, कौन से चैप्टर पे हो तुम कैफ? यू आर इन ऑन व्हाट चैप्टर मोहम्मद कैफ? टेल मी, चैट में नहीं लिख सकते आप, अनम्यूट होके बोलो. Yes. Mohammed Kaif, tell me whether you are on which chapter. I don't know you are in which chapter. Yes. Have you done chapter 3? Chapter 3 ho gaya aapka? Kaif, jawab do. Anushka, Arohi, aap batao. Is chapter 3 done? Himanshi? Ma'am, it is complete. Hello. Anushka, complete nahi hua abhi? Ma'am, mere kuch topic reh rahe hain abhi. Achha. अनुष्का का हो गया कंप्लीट? नहीं मैम, अभी कुछ रह रहा है. बेटा कंप्लीट करा करो, जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है तो उससे पहले आपका फर्स्ट, उससे पहले वाला तो हो जाना चाहिए पूरा. हाँ, इतनी देर क्यों लग रही है? अगर एक दिन भी आप नोट्स पूरा करने के लिए करोगे तो अपने आप ही पूरा कर लोगे आप. एक दिन में भी हो जाते हैं नोट्स पूरे, होते हैं नहीं होते हैं? करा करो, ठीक है. तो अब कल हमने नेचुरल मेथड्स डिस्कस किए थे, जब आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं हम उन पे आते हैं. नेचुरल मेथड और फिर फिजिकल मेथड, ये सब हमने डिस्कस किए थे. ये बर्थ, क्योंकि बर्थ की वजह से पॉपुलेशन एकदम से सडनली इंक्रीज हो रही है, कि लाइफस्टाइल लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अच्छे से लाइफस्टाइल में रहते हैं, एंड दे आल्सो आर वेरी नाउ दे आर रिलेटेड टू द, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द हॉस्पिटल. सो उनकी केयर बहुत होती है, वो उनके वो डैमेज नहीं होते इतने, और जो भी उन्हें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो सही हो जाते हैं. मतलब डॉक्टर की साइंस अब इतनी बढ़ गई है कि अब कोई बीमारी से तो मर ही नहीं रहा. तो पॉपुलेशन जो है वो तो है ही, और नए लोग और बढ़ते जा रहे हैं थ्रू रिप्रोडक्शन. तो इस वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन अनमैनेजेबल हो गई है. तो बर्थ कंट्रोल मेथड समझाए हुए हैं यहाँ पे. इस वजह से बर्थ कंट्रोल मेथड ऐसे मेथड्स हैं जो कि बर्थ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जिसमें पहला मेथड तो फिजिकल मेथड दे रखा है यहाँ पे. क्लियर? तो नेचुरल मेथड दे रखा है फर्स्ट. तो उसमें आपको क्या है कि तीन उसमें सब पार्ट्स हैं. देर आर थ्री सब पार्ट्स नेचुरल मेथड में. पहला आपको बोल्ड में बता रखा है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, मतलब 6 to 10 days मेंसिस का जो होता है, जब एग रिलीज होता है उस टाइम पे, एग फलोपियन ट्यूब में भी होता है उस टाइम पे, मेटिंग नहीं करें अगर कपल, कपल उस टाइम पे अगर मेटिंग नहीं करे 10th to 17th day, तो क्योंकि उस टाइम पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, सो फर्टाइल पीरियड कहते हैं. तो इस मेथड को पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं. ये एक नेचुरल मेथड है कि जब अगर इस टाइम पे अगर मेटिंग नहीं हुई, कपल मिले नहीं, तो इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हैं? बिल्कुल कम है. तो इसको कौन सा मेथड कहते हैं? नेचुरल मेथड है, ठीक है. नेचुरल मेथड है किस चीज का? बर्थ कंट्रोल का. आप बीच बीच में आप भी बोलो, सिर्फ मैं ही बोलती रहूंगी तो डजंट लुक गुड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यस मैम। यस, तो आप लोग भी मुझसे बात करो तभी ठीक रहेगा कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया। यस मैम और नो मैम ऐसे करके आपको बोलना है। सेकंड क्या है? विड्रॉल कोइटस इंटरप्टस, ये सेकंड मेथड है बर्थ कंट्रोल का, जिसमें जो मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर जब क्लोज मीटिंग में होते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो जब मेल को पता चलता है कि दैट ही विल रिलीज द लिक्विड नाउ, तो वो क्या करता है, ही रिट्रैक्ट्स द पेनस और ही गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फीमेल। तो अगर वो फीमेल से अलग हो जाता है तो यानी कि मीटिंग को इंटरप्ट कर दिया, कंप्लीट नहीं होने दी मीटिंग, एंड मीटिंग इज इंटरप्टेड। तो देयरफॉर इस मेथड को क्या कहते हैं, विड्रॉल ऑफ कोइटस इंटरप्टस। दिस इज अनदर मेथड और नेचुरल मेथड है ये भी, एंड इससे फीमेल के बॉडी में कोई भी सीमन नहीं जाता, इंसेमिनेशन नहीं होती, दैट मींस ट्रांसफर ऑफ सीमन इज नॉट देयर। सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो व्हाट आर इट इज ऑल्सो द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, नेचुरल मेथड है ये भी बर्थ कंट्रोल का। क्या है? This is also natural method of birth control. Clear? Now third natural method क्या है? Lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea में ना तो लैक्टेशनल एमनीरिया में, आई वाज टेलिंग लैक्टेशनल एमनीरिया, आई वाज रिवाइजिंग द यस्टरडेज थिंग, लैक्टेशनल एमनीरिया में एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन होता है। ये वो पीरियड होता है जब मदर जो होती है डिलीवरी कर हो जाती है, उसकी बेबी दुनिया में आ जाता है, तो अब उसको वो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, क्योंकि फीमेल्स के पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, तो दे विल फीड द यंग वन विद द मिल्क। जब वो फीड करेगी मिल्क को, तो उसको क्या होगा, उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नॉर्मल नहीं आएंगे उस टाइम पे, उस पर कोई भी एग्स नहीं बनेंगे, न्यू एग्स नहीं बनेंगे, तो इस वजह से उस टाइम पे जो मेटिंग होती है वो सेफ होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है जब, तो ये मैक्सिमम 6 मंथ का पीरियड होता है। यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन और न्यू प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं हो रही, कोई डिवाइसेस यूज नहीं हो रही, तो ये भी एक नेचुरल मेथड है। बट चांसेस ऑफ फेलियर इसमें भी होते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि 6 मंथ टोटल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी है या फिर 4 मंथ तक हो रही है या 3 मंथ तक, कभी भी हो सकती है कि उसके अंदर एग बन जाए। मे बी देर इज देर कैन बी अ वे के जहाँ एग बन गया हो तब फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, तो ये चांस फिर हट जाएगा। तो ये इसका चांस है कि ये क्या हो सकता है, मिस भी हो सकता है। दिस कैन देर कैन बी अ चांस दैट इट कैन गेट मिक्स मिस, और देर इज अ चांस दैट द एग इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फलोपियन ट्यूब, एंड अगर उस वक्त पर दोनों पार्टनर्स ने मेटिंग करी तो देर कैन बी अ सेकेंड प्रेगनेंसी। बहुत जल्दी उस टाइम पे सेकेंड प्रेगनेंसी भी ठहर सकती है, तो वह दो बच्चों को साथ में बड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स भी आ सकती। गेटिंग माई पॉइंट? तो लैक्टेशनल एमनीरिया इज नॉट अ श्योर मेथड, श्योर मेथड नहीं है। नाउ फिजिकल मेथड्स में बैरियर मेथड्स आते हैं, जिसमें कॉन्डोम्स आती हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करके रख लेती हैं, जिसकी वजह से जब लिक्विड ही नहीं जाता फीमेल ट्रैक्ट में कोई भी मेल का, एंड इट रिमेन्स इन द कॉन्डोम ओनली, सो इट कैन नॉट गो इन टू फीमेल, इंसेमिनेशन नहीं हो पाता, तो वो इस वजह से कोई प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, और एसटीडी और एड्स वगैरह की बीमारियां भी बचती हैं। निरोध एक तरह का एक कॉमन नेम है जो कॉन्डोम को हिंदी में बोलते हैं, एंड अगर कॉन्डोम की जगह दूसरी चीज, ये तो क्या है, यूज एंड थ्रो होते हैं कॉन्डोम्स, बट ये जो 3 चीजें हैं सर्विकल कैप्स डायफ्राम वॉल्ट्स, ये रीयूजेबल होती हैं, रबर के बने हुए होते हैं, ये सर्विक्स को क्लोज करते हैं, फीमेल्स की डिवाइसेस हैं ये तीनों, डायफ्राम सर्विक्स कैप एंड वॉल्ट्स। इनके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स जेलीज, ये भी स्पर्म्स को मारती हैं, ये ऊपर वाले फिजिकल बैरियर्स की एफिशिएंसी बढ़ाती हैं कि जेलीज और क्रीम्स अगर यूज करो। देन
यूट्रीन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, जिसका एक डायग्राम सामने दे रखा है, कॉपर टी का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, 4.2 फिगर, तो आप देख पा रहे हो इसमें कॉपर का टी है, टी शेप में कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर, और टी शेप में भी कॉपर दिख रहा है, और ये थ्रेड्स जैसे हैं, और यहाँ पर इसके हेड्स हैं, तो इसको यूट्रस में ऐसे फिट कर दिया जाता है ऊपर की तरफ, कि ये फेलोपियन ट्यूब को भी थोड़ा थोड़ा क्या करता है, बंद करता है, और टी शेप क्या करता है, स्पर्म्स को ऊपर आने से रोकता है, कि स्पर्म से टकरा टकरा के नीचे की तरफ ही रहते हैं, दे डू नॉट गो टू फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे स्पर्म आएगा तो यहाँ पे इससे टकरा कर इसके हेड से वो नीचे गोज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ चला जाएगा, और ये यहाँ से अपने एंड पॉइंट, हर जगह से जहाँ से कॉपर कॉपर एक्सपोज हो रहा है उस ठीक है, तो ये हम डायफ्राम वॉल्स और सर्विकल कैप्स का हमने पढ़ लिया, तो ये अगर पहने हुए होते हैं सर्विक्स में रबर रबर की ये सब चीज़ें होती हैं, तो दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म टू सर्विक्स, सर्विक्स से स्पर्म को नहीं आने देते, और ये रीयूजेबल भी होते हैं, और इनको स्पर्मिसाइड स्क्रीन जेलीज से भी और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। देन ये इंट्रायूट्रिन डिवाइस में बात करी थी, कॉपर टी एक इंट्रायूट्रिन डिवाइस है, तो मैं ये बता रही थी कि ये जो जहाँ से कॉपर एक्सपोज हो रहा है इस एरिया से, इस जगह से भी कॉपर रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ से भी कॉपर एक्सपोज हो रहा है, तो इट विल रिलीज कॉपर आयन Cu+2 आयन्स रिलीज करेगी, तो ये क्या करता है स्पर्म को, दे कॉपर रिलीज विल बी इंक्रीजिंग द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स, यहाँ लिखा हुआ है फैगोसाइटोसिस स्पर्म की बढ़ाती है, ठीक है, इट विल इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, एंड कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि आपकी बिना कॉपर रिलीजिंग है, यानी कि विदाउट कॉपर दे आर एंड विदाउट इवन नॉन मेडिकेटेड होती हैं, दे आर नॉन मेडिकेटेड, तो ऐसी कौन सी हैं, इनका एग्जांपल आपको सबको याद होना चाहिए, नॉन मेडिकेटेड को लाइफ स्लूप कहते हैं, ये यूट्रस में ऐसे करके डाल दिया जाता है, ये काफ़ी जिगजैग का लूप होता है एक, इसको यूट्रस में डाल देता है डॉक्टर, यहाँ पे फलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे पियर शेप यूट्रस है, ठीक है, तो यूट्रस में ऐसे लाइफ लूप लगा दिया जाता है, तो जब यूट्रस में ये ऐसा लूप रहेगा तो वो क्या करेगा, यूट्रस में ऐसा लूप रहने की वजह से जो स्पर्म्स उसमें आएंगे भी, अगर मान लो एंट्री हुई मेटिंग के वक्त, तो वो ये सारे स्पर्म यहाँ फंस जाएंगे, तो ये भी फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा, सारे स्पर्म इनके लूप्स में ही फंस जाएंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, जब उनकी स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पे जो नेचुरली इम्यूनिटी होगी, यहाँ पे जो नेचुरली वाइट ब्लड सेल्स होंगे फीमेल की बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होंगे, और स्पर्म एक फॉरेन लिक्विड ही है, बाहर से आए हुए सेल्स एंड स्पर्म्स, तो वो WBCs इन स्पर्म्स को किल कर देंगे, WBCs फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, फैगोसाइटोसिस मींस किलिंग ऑफ द स्पर्म्स, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, अनम्यूट करके मुझे बताया करो बीच बीच में, यस मैम, ठीक है, अब उसके बाद कॉपर टी के एग्जांपल हैं IUDs, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375,
एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन से हैं? LNG20 है, प्रोजेस्टोसर्ट है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्मोन्स फीमेल ट्रैक को अनरिसेप्टिव बनाती हैं, हार्मोन्स फीमेल ट्रैक को ऐसा बनाती हैं कि वो इम्प्लांटेशन के लिए अनरिसेप्टिव रहता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, इट इज अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, एंड सर्विक्स हॉस्टाइल हो जाता है स्पर्म के लिए कि स्पर्म वहाँ पर जिंदा नहीं बच पाते। IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। IUDs क्या होती हैं? फीमेल्स के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं। Who want to delay pregnancy and widely accepted methods हैं contraception के। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी कोई दवाई वगैरह भी नहीं है और इनके structures ऐसे हैं जो जो एक बार फिट करके अगर फीमेल ट्रैक में एक ऑपरटी लगा देते हैं तो कुछ महीनों के लिए तो छुट्टी हो जाती है, उसको कोई दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। तो IUDs इसीलिए आइडियल होती हैं फीमेल्स के लिए कि ये बहुत ईजिली फिट हो सकती हैं, डॉक्टर्स इनको अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं ट्रैक्ट में और आराम से, देर इज नो मेडिकेशन, देर इज नो नथिंग टू केयर अबाउट, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, एक बार फिट कर दिया बस वो फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का आराम से काम करता है। वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, इंडिया में भी वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। क्लियर हो गया? अब एनी वन ऑफ यू विल अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड दिस ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर पढ़ो इसे। तब से मैं ही पढ़ रही हूँ, अब आप पढ़ो, कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके ये पॉइंट्स पढ़ो। रीड दिस पैराग्राफ फास्ट। Read this paragraph, oral administration, oral contraceptives की paragraph पढ़ो। Yes? Yes, students, are you able to listen to me? Am I audible to you? I'm asking you to read. Any one of you, please read this paragraph. If you will not reply me and if you will not respond me, I will tell my answer. He will call your parents. This is the simple thing which I can give. I will give you a reporting to my answer. He is your class teacher and then I will give you. Otherwise, I will give you principal ma'am. Principal ma'am को मैं बता दूंगी कि आप लोग मेरे को बिल्कुल class में respond नहीं करते हो। I'm asking one of you to read this. Ma'am, may I read? Yes, read. Okay, ma'am. Oral administration of small doses of either progesterones or, ma'am, am I audible? Yes. Okay, ma'am. तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन छोटी छोटी डोजेस का दिया जा रहा है। दो दो डोज, दो नाम बताए हुए हैं, प्रोजेस्टोजेंस, प्रोजेस्ट्रॉन्स और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है ये, प्रोजेस्टोजन जिसे बोला गया है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को दवाइयों के फॉर्म में, ओरल पिल्स के फॉर्म में फीमेल्स को दिया जाता है। दे आर गिवन टू फीमेल्स, ठीक है? Yes, ma'am. They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills. Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle, after a gap of 7 days, during which
menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female मैम ये क्लियर नहीं हो रही मेरे को स्क्रीन मैम एम आई ऑडिबल टू यू तो मैं ये पूछ रही थी कि इस पैराग्राफ में ये बताया है कि दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स क्योंकि इन्हें टैबलेट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है तो इसीलिए उन्हें पिल्स बोला जाता है. ठीक है, पिल मतलब होता है टैबलेट नॉर्मल में. तो पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज. उन्हें 21 दिन तक लगातार लेना होता है फीमेल को और फिर 7 दिन का गैप रखना होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन होती है वो वीक उसको वो पिल नहीं लेनी होती. उससे 21 डेज तक वो रोज पिल लेगी लेडी जिसको कॉन्ट्रासेप्शन करवाना है या फिर जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो दे विल टेक द पिल कंटिन्यूसली फॉर 21 डेज पर 7 डेज का गैप रखेगी और देन रिपीट करेगी दोबारा से. तो इन पिल्स से उसको कोई भी कंसेप्शन नहीं होता. दे इनहिबिट ओव्यूलेशन और इससे ओव्यूलेशन भी खत्म होता है मतलब रुक जाता है ओव्यूलेशन और एंट्री ऑफ स्पर्म के सर्विक्स का म्यूकस इतना थिक होता है कि स्पर्म अंदर नहीं आ पाते फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाते म्यूकस में फंस कर ही उनका फेगोसाइटोसिस हो जाता है और वो मर जाते हैं और साइड इफेक्ट्स भी इनके कम होते हैं. और सहेली नाम की पिल जो है वो नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में कि CDRI लखनऊ ने बनाई है जो कि एक नॉन स्टेराइडल प्रिपरेशन भी है स्टेरॉइड्स नहीं होते उसमें. इट इज वंस अ वीक पिल एक हफ्ते में एक बार ली जाती है वो वाली पिल तो वो सही है कि वो तो रोज लेने की भी दिक्कत नहीं है उसको सहेली पिल को एक हफ्ते में एक बार ही ले सकते. क्लियर हुआ. अब उसके बाद ये वाला पैराग्राफ पढ़ो प्रोजेस्टोजेंस वाला ये वाला पढ़ो. रीड दिस पैराग्राफ. यस मोनिशा यू रीड दिस पैराग्राफ और हिमांशी यू रीड एनी वन ऑफ यू कैन रीड प्रोजेस्टोजेंस अलोन इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन. रीड दिस पैराग्राफ. मैम कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से जहाँ से मैंने मार्क कर रखा है प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन यहाँ से पढ़ो. प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन. Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. Administration of progesterogens or progesterone estrogen combinations or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. So progesterone alone in combination with estrogen can be used by females. Females में इसको भी use किया जा सकता है. ये progesterones को combination with estrogen में भी use किया जा सकता है. Female injections के form में या implants के form में भी use किया जा सकता है. ऊपर implants का तुम्हें image दिख रहा है. छोटे-छोटे से implants हैं ये. इसमें actually में hormones हैं. तो इनको skin के अंदर लगा दिया जाता है. और इन इम्प्लांट्स में से एक एक मंथ में थोड़ी थोड़ी सी हॉर्मोन्स स्किन के थ्रू ही सबडर्मली ही कैपिलरीज के अंदर मिक्स होकर ब्लड में मिक्स होकर आपकी बॉडी में मिलते रहते हैं
तो उसकी वजह से ये भी एज अ इम्प्लांट्स भी एज अ हार्मोन सोर्स एक्ट करते हैं, और इनका काम भी जैसे सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स था इनकी तरह ही होता है, इनका इनका वर्क भी एक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू पिल्स, और इफेक्टिव पीरियड इनका पर ज्यादा होता है। जैसे पिल्स अगर 21 डेज कंटिन्यूस लेनी पड़ती हैं, फिर 7 दिन छोड़नी पड़ती हैं, फिर दोबारा 21 हर दिन लो उन्हें, हर या हफ्ते में एक बार लो, तो उससे क्या होगा, उससे ज्यादा ये इम्प्लांट्स इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि स्किन में एक बार लगा दिए तो इन्हें बार बार लेने की जरूरत नहीं, अपने आप ही स्किन में से मिक्स होते जाएंगे आपके ब्लड में। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन 74 आवर्स और कोइटस, अगर 72 घंटे के बीच में हमने कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसी कोई पिल ले ली प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन वाली, तो वो भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को के वजह से या रेप के वजह से रहने वाले बच्चे को मार सकती है, में ऐसा एबिलिटी होता है, दे कैन पॉसिबली प्रेगनेंसी को अवॉइड करा सकती है, जरूरी नहीं है पर प्रेगनेंसी अवॉइड हो ही जाए, बट ऐसा भी हो सकता है प्रेगनेंसी अवॉइड कराई जा सकती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, सर्जिकल मेथड। Another student read. Now Himanshi, again you read. और अनुष्का, आरोही, कोई भी एक बच्चा पढ़ सकता है। सर्जी अनुष्का, आरोही, आप में से भी कोई पढ़ सकता है सर्जिकल मेथड। रीड करो, रीड इट। सर्जिकल मेथड्स आल्सो कॉल्ड स्टरिलाइजेशन हैव generally advised for the male-female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. Surgical intervention block gamete transport and hereby prevent conception. Sterilization procedure in a male is called vasectomy. Okay. So, surgical method mein kya hota hai? Jo bhi sterilization bhi bolte hai isko. Aur isme aapka इसको अगर मेल में किया जाए तो वैसेक्टॉमी बोला जाता है। वास डिफरेंस को कट करके और एक तरफ से दोनों तरफ से ट्यूब को बांध दिया जाता है, अंदर ही अंदर छोटा सा चीरा लगाते हैं, वहां से वास डिफरेंस को पकड़ कर खींचते हैं, छोटा सा कट लगा के दोनों सिरों को बांध देते हैं, तो वास डिफरेंस तो ब्लॉक हो गई। और ऐसे ही फिलोपियन ट्यूब में भी करते हैं, छोटा सा एक लेजर का होल करते हैं एब्डोमेन में और वहां से फैलोपियन ट्यूब्स को पकड़कर कट कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या रहता है, दिस इज योर स्टरिलाइजेशन मेथड, सर्जिकल इंटरवेंशन है, ब्लॉक है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर टेस्टीज में स्पर्म बन रहे होंगे दे कैन नॉट गो अपवर्ड, वास डिफरेंस में यहाँ स्पर्म जो बन रहे होंगे स्पर्म यहाँ से ऊपर ऊपर यहाँ तक ऊपर जाएंगे, यहाँ तक ऊपर जाएंगे, बट यहाँ के बाद यहीं पे रुक जाएंगे, इसी ट्यूब में स्पर्म भरे रहेंगे, अपना नॉर्मल 2 दिन का टाइम 3 दिन का टाइम तय करेंगे और डाई हो जाएंगे, ठीक है, नेचुरली डाई हो जाएंगे और नए स्पर्म बनते रहेंगे, डाई होते रहेंगे, ऐसा ही हिसाब इसका होगा। फीमेल में नॉर्मल सब चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी, एग बनते रहेंगे, एग यहाँ पे मरते रहेंगे, फैलोपियन ट्यूब से एग इधर नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम हेयर on this side, egg will form, egg will be dying, egg बनेंगे भी मरेंगे भी, यहाँ पे egg die होते रहेंगे, कोई भी इसमें कोई भी side effect नहीं होता, ना ही इसमें कोई hormonal disturbance होती, ना कुछ भी disturbance नहीं होती, ठीक है, natural process चलता रहता, but ये है कि ये जो parents हैं sterilize हो जाते हैं, but they cannot again plan pregnancy, अगर ये बड़ा operation होता है, इसमें एक बार किसी ने वैसेक्टॉमी करा ली, जैसे वास डिफरेंस कट करा के, इसको इस चीज़ को वैसेक्टॉमी बोलते हैं, इसमें वास डिफरेंस को कट कराया जाता है और इसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्यूब कट करी है, फैलोपियन ट्यूब का करवाया है ऑपरेशन, तो ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है, TOMY मतलब होता है कटिंग, जैसे एनाटॉमी, एनाटॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें डिसेक्शन करके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स देखने हैं, तो टू कट अपॉन किसी चीज को काटना, वो उसका टॉम, वो वर्ड टॉमी होता है, TOMY,
कटिंग समथिंग, तो इसमें वास डिफरेंस, एक में वास डिफरेंस कट हो रहा है और एक में फेलोपियन ट्यूब कट हो रही है. अंडरस्टैंड, क्लियर? अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Yes. And that in the female tubectomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas in tubectomy, a small part of fallopian tube is removed or tied up to through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. It needs to be emphasized that our selection for a suitable contraceptive method and use always undertaken in consultation with qualified